हेलो एवरीवन। वेल, आजकल का सबसे मेजर कंसर्न है नेचुरल ब्लश अपने चीक्स को हम कैसे करें या एक नेचुरल पिंक ग्लो हम विदाउट मेकअप कैसे पाए। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी एक रेमेडी भी मैं शेयर करूंगी कि जो ड्रिंक हम आज बनाएंगे मेरे साथ आप बना सकते हैं। तो गेट योर मिक्सर ग्राइंडर रेडी, आप इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकते हैं। मीनवाइल कैरेट है, पोमेग्रेनेट है, बीटरूट है। तो आज हम एक मैजिकल ड्रिंक बनाएंगे जो आपको नेचुरली ग्लो देगी अंदर से, क्योंकि बाहर मेकअप से अप्लाई करके कोई भी ग्लो ले लेता है। और साथ ही साथ आप उस नेचुरल इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट को अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करने से बच जाएंगे और नेचुरल तरीके से आपके चीक्स ब्लश करेंगे। बिफोर मेकिंग दैट मैजिकल ड्रिंक हम आज डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे या सुधार लाने पड़ेंगे जिससे आपकी बॉडी अंदर से ग्लो करेगी या नेचुरल ग्लो करेगी। सबसे पहले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत लेजी बैठे रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो प्लीज़ अपने लिए आप 24 घंटे में से कुछ आधा एक घंटा निकालें, इसको डिसिप्लिन बनाए और कोई भी योगा, जिम, रनिंग, वॉकिंग कुछ भी शुरू करें ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, बॉडी में ब्लड पता चले कि है। और वो आपने फील भी किया होगा कि जब भी आप कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीक्स आपके रेड हो जाते हैं, सारा ब्लड ऊपर पंप हो जाता है और आप ग्लो करने लग जाते हैं। तो ये करना ज़रूरी है। सेकेंडली, कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना। पर्सनल प्रोफेशनल मेकआउट सम बैलेंस, आप बैलेंस करें उसको। आप घर का स्ट्रेस ऑफिस ना जाने दें, ऑफिस का स्ट्रेस घर ना जाने दें, और मेडिटेट करें। और ईटिंग हैबिट्स अपनी बहुत अच्छी है, ज़रूरी रखनी, ताकि पिंपल्स या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको जल्दी से ना हो। जैसे एक्ने हो जाते हैं फ्राइड खाने से, या स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है और ये चेंजेस लाने अपने लाइफस्टाइल में ताकि आप अंदर से ग्लो करें। वेल, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो नेचुरल ब्लश कराएगी आपके चीक्स को। इंग्रेडिएंट्स मैंने शेयर करे आपके साथ, बीटरूट है, कैरेट है, पोमेग्रेनेट है। आपको थोड़ा सा बीटरूट लेना है कटा हुआ, आप मेरे साथ ड्रिंक बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाएगा किचन में ये इंग्रेडिएंट। कैरेट आपने डाला और थोड़ा सा पोमेग्रेनेट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि बहुत गाढ़ी ड्रिंक आपकी ना बने और इजीली आप उसको पी पाएं। मीनवाइल आप कोई सॉन्ग गा सकते हैं या फिर कोई वीडियो कॉल कर सकते हैं जब तक हम ड्रिंक बना रहे हैं या आप भी ड्रिंक बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। नाउ बिफोर एडिंग सॉल्ट टू इट, आपको क्या करना है, आप इसका एक ड्रॉप लेके अपने डेली मॉइस्चराइजर में, जैसे मैं ले रही हूँ, तो ये एक जैसे मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई कर लिया फेस पे, और एक ड्रॉप लेके आप इसका एक ड्रॉप, इसी जूस का एक ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पे, चीक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल ग्लो देगा आपको, ये नेचुरल ब्लश का काम करेगा। और सेकेंडली, आप अपने बीट रूट को एक स्लाइस ले लीजिए बीट रूट की, और चीक्स पे ऐसे राउंड राउंड या जहाँ पे भी आपको ब्लशी इफेक्ट चाहिए वो आप अप्लाई करके छोड़ सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन। तो ये भी आपको नेचुरल ब्लश का इफेक्ट देगा और ये किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेकअप प्रोडक्ट से बहुत अच्छा ग्लो देगा। और नेचुरल है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन बची रहेगी और आप बुढ़ापे में भी शायद जवान लग सकते हैं। तो ये ड्रिंक अब आपको डालनी है ग्लास में। आप इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, काला नमक या लेमन डाल सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। और ये आपको डेली एक ग्लास कंज्यूम करना है। एज यू कैन सी कि मैं भी पी रही हूँ आपके साथ, तो इससे जो आपकी बॉडी में है, एक तो ब्लड प्योरिफिकेशन अच्छा होगा, टॉक्सिन्स अच्छे से रिमूव होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और ये आपको नेचुरल लुक देगा। एंड बिलीव मी, सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट लगा के या बाहर से कुछ भी अप्लाई करके आप नेचुरल ग्लो या नेचुरल ब्लश अपने चीक्स पे नहीं पा सकते। आपको अंदर से भी हेल्दी खाना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अगर आपको और कोई भी चीज़ जाननी है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा और आप बहुत प्रोडक्ट्स और मेडिसिन लेके परेशान हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन, स्टे ब्लशिंग।